वेल 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 हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं, अरे रुको जरा, ये माइक है सब। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम परचेस करने वाले हैं मेरे लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव गैजेट। वो कौन सा गैजेट होगा, आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम परचेस करने जाने वाले हैं हमारा DJI का मिनी 3 प्रो, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और मैं इस ड्रोन को लेने को ट्राई कर रहा हूँ एक साल से, तो आज वो दिन आ गया है जब हम वो परचेस करने वाले हैं। वेल वैसे तो मैंने सोचा था कि इस ड्रोन को परचेस करूँगा ऑनलाइन ही। मुंबई में बहुत सारे स्टोर थे तो वहाँ से ख़रीदने का ट्राई किया मैंने, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा था। तो जब मुझे घर वालों ने परमिशन दी ड्रोन परचेस करनी, तो फिर मैंने सोचा देख ही लेते हैं, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा। देन फाइनली जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला जहाँ पे वो पुणे में ही ड्रोन सेल करते हैं। तो फिर मैंने सोचा भाई पुणे में है, सामने है, देख के सामने ही ड्रोन ले लेते हैं, ताकि वो सेफ भी रहेगा और मुझे कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो इसलिए फटाफट मैंने डिसाइड कर लिया, घर वालों को पूछ लिया, पैसे रेडी कर दिए और हम सीधा निकल गए देहू के लिए ड्रोन परचेस करने के लिए। तो दोपहर के हम 4 या 5 बजे निकल जाते हैं घर से, थोड़े देर एक दोस्त के पास रुकते हैं, वहाँ से गाड़ी लेते हैं, चेंज करते हैं और हमारी DO पे हम निकल जाते हैं देहू की तरफ। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन इतना लंबा सफ़र करके हम फाइनली पहुँच जाते हैं यहाँ पे आत्मविदानी एंटरप्राइजेस में। ये देखो इनका ऑफिस है, यहाँ पे आ रहे हैं अभी। इतना दूर हमें आना पड़े भाई, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हम दूर DO पे हैं। वैसे NS थी मेरे पास, लेकिन NS पे नहीं आए क्योंकि NS हमारी धरने वाली थी एक दोस्त को, उसको दे दी, इसलिए अभी यहाँ पे आने में इतना टाइम लगा। DO देखते हैं क्या प्राइजेस अभी के लिए, और तो उनकी प्राइजेस आपको लास्ट में रिवील करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में आपको प्राइस में रिवील करूँगा। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया। मुझे कन्फ्यूजन था पहले मिनी 3 लेना है या मिनी 3 प्रो लेना है, लेकिन सोचा अभी भाई बिगिनर हो, थोड़ा सेंसर वगैरह रहेंगे तो हेल्प हो जाएगी जब फ्लाई करूँगा तब, और थोड़ा ही फर्क था, लेकिन ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट में मिनी 3 प्रो कर दिया। देन फाइनल टाइम आ जाता है, हमारा ड्रोन का अनबॉक्सिंग शुरू होता है। तो मैंने DJI का मिनी 3 प्रो परचेस किया, उनसे मैंने बहुत डिस्कशन किया, फिर मुझे लगा कि भाई अच्छा ड्रोन ही ले लेते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको भी अच्छे वीडियो और अच्छे ड्रोन शॉट्स देना मेरा कर्तव्य बनता है। पैकेट खोलने के बाद सबसे पहले हमें ड्रोन दिखता है, उसमें रिमोट वगैरह है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि बैटरी कैसे क्या डालनी है, ड्रोन कैसे खोलना है, रिमोट कैसे यूज़ करना है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। अभी मुझे तो कुछ पता नहीं था, अगर मैं ऑनलाइन मंगवाता तो यही जो इन्फॉर्मेशन ये मुझे सामने बता रहे, वो इन्फॉर्मेशन मुझे जानने के लिए यूट्यूब वीडियो देखना पड़ता। अगर उसमें कुछ गलत कर देता तो वो भाई मेरे ही आंग पे आ जाता। तो उससे अच्छा भाई जो सामने बंदा है, वो एक्सपीरियंस बंदा है और नॉलेजेबल बंदा है, तो वो मुझे अच्छे से बता देंगे। तो इसलिए मैंने भाई उनसे ही सुन लिया। और यहाँ पे आपका ये बैटरी बैठेगा, इधर रिमोट कंट्रोलर बैठेगा, और इसके साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे इसके अंदर ये आती है प्रोपेलर्स वगैरह, ये USB 2 और सी आते हैं, जो जो इसमें दिखा है उसमें ये प्रोपेलर्स है, दो बैटरी है, एक चार्जिंग का बैग है और ये USB 2 सी है। अभी बस एक्टिवेशन रहेगा, एक्टिवेशन के लिए रुके हैं और ड्रोन चार्जिंग को लगाएं वहाँ पे। ये अपना मिनी 3 प्रो का किट, जिसमें 2 बैटरी आती है 45 मिनट्स टाइम के साथ, और इसमें अपना 47 मिनट्स, और इसमें 31 मिनट्स। ओ माय गॉड भाई, ऐसा सामने ड्रोन खुलता हुआ दिख रहा हूँ। इतने दिनों से मैं सपना देख रहा था कि मेरे हाथ में ड्रोन आएगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस पे जो स्टिकर लगे होते हैं वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके सेंसर या बाकी जगहों पे भी काफ़ी जगह स्टिकर्स थे। अभी इसको अच्छे से खोल देते हैं, ये भी है मुझे जानना था कि भाई ड्रोन कैसे खोलते हैं। अगर कुछ गलत विलत खोल दिया भाई, मुझे क्या पता भाई कैसे खोलते, ऐसे आड़ा टेढ़ा खोल दूंगा। एक तो बहुत ये नाजुक होती है, तो इसको हैंडल करना भी भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है। लॉन्ग प्रेस, तो भाई अभी ले लिया है ड्रोन, अभी टेस्टिंग कर रहे भैया। हाँ
जब ये रेड है ना पाँच आया वो वाइट होने के बाद आपको टेक ऑफ करना है, होम पॉइंट अपडेटेड करके आता है, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है, तब तक नहीं करना है। और होम पॉइंट अपडेट करने के लिए क्या करना होगा? अपने आप हो जाएगा या? अच्छा ओके, कुछ नहीं करना, उसका जीपीएस पकड़ लिया, नेटवर्क उसका टारगेट रहता है, तो हो गया तो फिर वाइट हो जाता है, होम पॉइंट अपडेटेड करके आ जाता है। मतलब अच्छा, मतलब जहाँ से भी पहले ऑन करेंगे वो सपोज कुछ बैटरी लो हो गया या कुछ हो गया तो वहाँ पे आके वो लैंड वापस लैंड करेगा, तो आप होम पॉइंट अपडेट नहीं करेंगे तो कुछ वो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा उसमें वो विदाउट सैटेलाइट कनेक्शन आपको फ्लाई नहीं करना है। ठीक है, वो सैटेलाइट पूरा कनेक्शन होने के लिए बैटरी में होम पॉइंट अपडेट आता है, तो अप्लाई करना है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, तो एक मेथड हो गया। दूसरा इसको क्रॉस ऐसे करेंगे ना, चेक कंप्लीट, ये ऑन होता है, इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। ठीक, ये करूँगा मैं ऊपर जाएगा, ये करूँगा नीचे जाएगा, एक मेथड हो गया। दूसरा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखा है, एक मीटर ऊपर हाइट में आके रुक जाएगा, अभी एक मीटर पे आके रुक जाएगा, इसके बाद वो रोटेटर है। अच्छा गिम्बल, अच्छा हाँ हाँ नीचे हो गया है पूरा रोटेटर, कैमरा आपका नीचे हो गया, हाँ ड्रोन जगह पे, ड्रोन कुछ नहीं है, ओके हाँ और ये वीडियो क्लिक, एक बार में क्लिक कर दे तो फोटो क्लिक हो जाता है, वीडियो क्लिक करने में और सेंसर कितने दूर तक मतलब दिखाता है, मतलब ये अभी वॉल है वहाँ तक भी वॉल है ना, इधर रेड दिखेगा, आगे जा आएगा भी नहीं है अभी हम लोग खड़े हैं, आप इसको जो से मेरे तरफ से अभी कर रहे हैं, हाँ अभी आ रहे हैं, इसके सामने नहीं रहा उसके, हाँ लाइट में पे नहीं है, नहीं रुक जाता है, ओके बाइक से पकड़ के लेने के लिए मैं अपना डिग्गी है ना, आपका डियो है, डियो के इसमें डाल दूँ, ये हाथ में रखेंगे होगा तो दे दो, हाँ तब दोनों पैरेलल है ना, आप लोग पावर बैंक फाइनली डन, अभी पैक करके सब बैग में रख के इस बॉक्स में डाल दिया। सुनसान दुनिया में, किसी सुनसान एरिया में, किसी सुनसान रेलवे गेट पे, किसी सुनसान रास्ते पे, किसी सुनसान रात में हम यहाँ पे रुके हैं ड्रोन के साथ। अभी कहाँ कितनी देर लगेगी हमें, कितनी देर लगेगी क्या पता, घर जाने में अभी भी दिक्कत है, यहाँ से 1 घंटा 5 मिनट ऑलमोस्ट हमें रात के 11:30 बजने वाले, बहुत ही सीरियस सिचुएशन, घर वाले अभी क्या करेंगे क्या बताएं, इतनी बड़े परचेस के बारे में क्या रिएक्शन होगा, मैं अभी घर जाके दिखाऊंगा आपको, और जो दोस्तों के रिएक्शन है उसके लिए आपको कल के ब्लॉग के लिए वेट करना होगा, वो ब्लॉग कल आएगा, आज का ब्लॉग बस इतना ही है। थोड़ी बहुत अभी रास्ते में दिखा दें आपको, कुछ है क्या पुणे जाते जाते दिखा देंगे आपको। तो यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ड्रोन परचेस करके वापस घर आ गए, वापस घर आने में हमें 2 घंटे लग गए रात में, तो बाद में मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। तो अगर मैं ड्रोन की आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, तो ये ड्रोन है DJI का Mini 3 Pro। ये हेडफोन क्यों पहना है मैंने, ऐसा लग रहा है मैं वॉइस ओवर बना रहा हूं, तो मुझे हेडफोन पहना मैंने, तो मैंने ये परचेस किया है DJI का Mini 3 Pro, जिसमें मुझे ये ड्रोन पड़ा है अराउंड, ऑफर चल रहा था उनका, तो ऑफर में मुझे 1 लाख के आसपास ही पड़ा है। वैसे आप लेने जाओगे तो आपको ये अभी ड्रोन मिल जाएगा मार्केट में 1,07,000 या 1,05,000 में, थोड़ा मुझे उसी प्राइस रेंज में मिला है, लेकिन डिस्काउंट मिल गया। बस आज का वीडियो यही था भाई, बहुत भाई
अभी खुशी में कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ये डालने में मुझे वीडियो टाइम लग गया है, लेकिन अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए। कानिफनाथ का एक वीडियो बनाया, दिवे घाट का एक वीडियो बनाया, अभी लेटेस्ट में मल्लारगढ़ का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस ड्रोन के वीडियो फुटेज देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मैंने फुटेजेस अपलोड किए हैं। और क्या चुम्मेश्वरी वीडियो आए भाई, क्या चुम्मेश्वरी वीडियो आए भाई, मैं बता नहीं सकता, इतने सुंदर सुंदर वीडियो आए हैं। और हम ट्राई करेंगे आगे भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आप तक लाते रहे। और भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, अगर अब तक इतना वीडियो पूरा देखा है तो जाते जाते नीचे एक लाइक करते जाना भाई, हर वीडियो पे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि भाई आपके लाइक से ये चैनल बड़ा होगा और आपके ही मदद से ये चैनल बहुत आगे जाएगा। मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स है जो मुझे कम्प्लीट करने हैं, और आपको फ्यूचर में ऐसे ही बहुत ही बढ़िया नेशनल के साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स ज़रूर लेके जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सफर में, टिल देन बाय।